हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी होंगे और सेफ होंगे, ऐसा ही मैडम भी बोलती है ना। तो दोस्तों, हम लोग दिवाली के अगले दिन हम लोग गए थे कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए, मुक्की जोन। तो उसमें एक वीडियो जो है मैंने खुद बनाया है मैडम के अतिरिक्त, तो उसमें मैंने जो है आपको कान्हा में जो हमने सफारी की थी उसकी पूरी जानकारी है उसमें। पूरी मतलब सफारी की जानकारी नहीं, पूरी सफारी का वीडियो है कहना चाहिए, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हम लोगों को ज़्यादा एनिमल्स देखने को तो नहीं मिले वहाँ पे, लेकिन जानकारी बहुत मिली हमको, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत बढ़िया मिली। वहाँ पे हमको जो हमारे ड्राइवर थे और हमारे गाइड थे, जो ड्राइवर हमारे विलियम भैया थे, उनने हमको बहुत बढ़िया जानकारी दी, और ऐसी जानकारी थी जो हमको नहीं पता थी और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको काम आई कि नहीं आई। और एक बात और है, क्या है, इन्फॉर्मेशन होने के बाद फिर आप लोग कभी जाएंगे किसी मतलब सफारी पे, या मैं नहीं कहता खाना पे, किसी भी नेशनल पार्क या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आप उसको एंजॉय कर पाएंगे जानकारी के कारण। तो और जानकारी होना बुरा नहीं है किसी के लिए भी। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और उसमें जो जानकारी जो दी गई थी वो कैसी लगी। और कहीं अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो उस चीज़ को भी आप कमेंट में सुधार सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गलत बोला या यहाँ पे मैं गलत हूँ। क्या है कि देखिए, जानकारी सही हो तो अच्छा है, गलत जानकारी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए और मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैडम जी तो बोल रहे थे कि तुम्हारा वीडियो नहीं चलेगा, इतना लंबा वीडियो बना दिया। मैंने कहा जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई वो तो सब देखेगा ही देखेगा और इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इंटरेस्ट बनाए रखेंगी। तो आप लोग देखिए और बताइए मुझे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, अब हम लोग पहुँच गए कान्हा और रिजॉर्ट में आ गए। बस हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए आने में। अब हम यहाँ से जाएंगे सफारी में। तो आगे आगे अब हमको जल्दी करना है, लंच करना है, उसके बाद जो अब फिर हम, टाइम हो गया, 2:30 बज गए हैं। हाँ 3 बजे के हम लोग, 3 बजे का टाइम है ना। हाँ 3 बजे की सफारी है। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और आगे का वीडियो आपके पास जल्दी से लेकर आएंगे। तो कीप वॉचिंग, बाय बाय। अब हम सफारी के लिए निकल गए हैं और हमारे साथ गौरव भैया एंड भाभी, और आगे का दृश्य हम आपको दिखाते चलेंगे, बहुत बढ़िया है ना। और फोटोज भी आपको आती रहेंगी समय में। चलो भैया, चलो चलो, जल्दी जल्दी पहुँचना, लेट होगा अपन। ये हम लोग आ गए हैं मुक्की गेट, आप लोग देख सकते हैं। सब लोग यहाँ से भी एंट्री होती है पर, लेकिन हम लोगों की एंट्री जो है खापा जोन में है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं परमिशन लेने के लिए। एक्चुअली बुकिंग हम लोगों की हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से परमिशन लेने के बाद ही फिर वहाँ दूसरे गेट पे हम लोगों को एंट्री मिली। सब साथ में चलेंगे तो मज़ा आएगा ना। आज आगे साथ हो जाएंगे। अरे यहाँ देखो, वो लेना था क्या, पास वास लेना था, और यहाँ से फिर लेके परमिशन लेना थी, परमिशन लेके। हाँ भैया, सब बांटे हम लोग निकल चुके हैं भीड़ में। हाँ आज भाई इन भाई साहब का बर्थडे है, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोले। ये हाँ, ये अग्रवाल लड़का जो सिंधी जैसा दिखता है, इसका बर्थडे है। ये अग्रवाल लड़का जो सिंधी जैसा दिखता है। ऋषि पर, अरे बनी और अभी चिंकी भैया के साथ बैठ जाओ, चिंकी चाचा। अरे अभिषेक दीदी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया बेटा, लंबू लंबे बताओ, देखो लंबा ही, देखो आवाज दे। प्रतीक, प्रतीक बोलो, दिखा देना भैया प्लीज। आज हम लोग अब ये एंटर कर रहे हैं खापा जोन में। अब यहाँ पे ये मशरूम लगे हुए हैं कुछ बड़े बड़े से, और अब हम मेन जंगल में एंटर कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज बंजारा है, खापा जोन आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बढ़िया शेर दिखा दो भैया हम लोग, दो चार सेठो। हाँ जी, अच्छा वहाँ पे मतलब उम्मीद है अपने को मिलने की? बस भैया उम्मीद में रहेंगे। मंकी कॉल चल रहा है सर। हाँ मंकी कॉल चल रहा है।
मतलब जब जब शेर देखता तो बंदर जो है अगर किसी जानवर को देख ले प्रेडेटर को तो वो फिर कॉल करते हैं। अच्छा लेपर्ड है क्यों कॉल करते हैं मतलब बचने के लिए दूसरे जानवर को ये मतलब ये अलर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अब हम जंगल में एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर बिल्कुल घना जंगल है और बस अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को शेर मिल जाए बस एक देखने को। तो देखते हैं शेर मिलता है कि नहीं। भैया लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब किस जोन में जाएं कहां पे शेर देखने को मिल सकता है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं और फिर अब हम लोगों को उस एरिया में ले जाएंगे जहाँ पर हम लोगों को टाइगर देखने मिल जाएगा। हम लोगों को टाइगर के पंजे के निशान मिले हैं और ये लोग बता रहे हैं कि यहीं से टाइगर अभी अभी निकला है, ज़्यादा देर नहीं हुई उसे निकले। और आप लोगों को भी ये देखिए दिखाता हूँ मैं, देखते कोशिश करते हैं, कोशिश फुल करेंगे हम लोग। उन्होंने उस सर्किल मार दिया है, देखिए ये शेर का पंजा, ये देखिए पंजे इधर भी है, यही से चल के गया। देखिए हाँ ये लाइन से चला है, ये यहाँ से चला, पैर के निशान क्लियर दिख रहे हैं। निकल गया करके पास में रहते हैं तो आपरात अपनी मची रहती है लोगों की, ठीक बात, टेंशन में रहते होंगे बेचारे क्या कौन शिकार होने वाला है, डर के मारे भाग भी नहीं पाते। ये पेड़ पे जो चढ़ के जो चिल्लाते हैं ऐसे आवाज करते हैं तो वो मंकी कॉल कहलाता है। वो मंकी कॉल है, जो हूप हूप चिल्लाता ना वो नहीं है, वो हुकिंग कॉल है। एक दूसरे झुंड को वो लोग संकेत दे रहे हैं, यहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक बात। सिक्स सेंस कह रहा है कि आज शेर मिलेगा, नहीं काम मेरा सिक्स सेंस जो है ना आज बोल रहा है कि आज बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मेरे को। भैया आगे ये एक नाला है, अक्सर जानवर पानी पीने के लिए यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रुक के देख रहे हैं दोनों तरफ कि कोई जानवर तो नहीं है। और शेर भी अक्सर यहीं पर मिलता है, ठंडी जगहों पर आता है, कभी पानी पीने के लिए आता है, तो उम्मीद रहती है ऐसी जगहों पर शेर मिलने की। हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हम लोगों ने देखा कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है, तो अब यहाँ पे कैसा करें समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। जाम जैसी मशीन, अच्छा, पेड़ को। अरे रास्ता जाम, पेड़ गिर गया, ले चले मेरे काम है। हाँ नहीं उतरेंगे, नहीं सब लोग मिलके कर दे तो हो जाएगा। चिंकी अकेले काफी है, चिंकी साइड मार दो जरा टक्कर। पेड़ गिर जाने के कारण अब हम लोगों को दूसरा रूट चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती और पेड़ इतना बड़ा है कि वो हटेगा भी नहीं। तो अब हम लोग दूसरा रूट कर रहे हैं, अब यहाँ से गाड़ी हम लोग यू टर्न लेंगे और दूसरा रूट पकड़ेंगे। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, अब शेर मिलता है कि नहीं, क्या होता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अब मुश्किल लग रहा है, वैसे तो पहले मुझे लग रहा था कि शेर आज मिल ही जाएगा, पर लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अब मुश्किल है यार, क्योंकि क्या है इसी रूट पे ये लोग बोल रहे थे कि शेर है आगे, बाकी अब दूसरे रूट में अब क्या होता है वो तो अब किस्मत वाली बात है। शेर ऐसी चीज़ है जिसको दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, किस्मत वाली बात होती है शेर मिलना। आज बस जान दो जान दो जान दो जान दो नहीं नहीं पलट गए, चलो हम पलट के वापस दूसरा रूट पकड़ेंगे यहाँ से। यहाँ तो पेड़ बिल्कुल चमकता है, हाँ रेडियम जैसे, ये वाइट वाला जी, वो साल में 3 बार अपना कलर चेंज करता है। अच्छा, और साल में एक ही बार उसमें पत्ते आते हैं जो 6 महीने तक रहते हैं, फिर 6 महीने तक वो पतझड़ रहता है। अच्छा,
उसका जो बाक है हाँ? जो छाल है वो साल में 3 बार अपना कलर चेंज करता है। एक टाइम आएगा लाइट पिंक हाँ? फिर आएगा लाइट ग्रीन हाँ? फिर आएगा एकदम लाइट येलो। अच्छा, 3 कलर में उसका। अभी कौन सा कलर है इसमें एक्चुअली? अभी कोई अगर लाइट ग्रीन है तो कोई लाइट पिंक में होगा, कोई लाइट ग्रीन। अच्छा, पास से क्लियर समझ में आता, अभी वैसे वाइट ही दिखता होता। जी ये हम एक स्पॉट में आ रहे हैं सर, ये टाइगर स्पॉट है। अच्छा, ये गर्मी के टाइम पे अगर आप सफारी कर रहे हो हाँ। तो आपको यहाँ पे टाइगर दिखना ही है। बाकिंग डियर होता है मैम, कहते हैं कुत्ते लोग भोंकते हैं वो वैसा वो आवाज करता है। गर्मी में ये जगह को खोद दिया जाता है हाँ। और ये यहाँ पे रहता टाइगर स्पॉट। अच्छा, ये यहाँ पे टाइगर स्पॉट है। ठंडक में अरे इतनी डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी रहती है, आप देख सकते हो। अच्छा, बहुत पास से दिखता। जो बाकिंग डियर है वो सेम टाइगर के जैसे उसकी मतलब जो है मिला जुला असर रहता है। जैसे टाइगर जो है पेड़ों पे मार्किंग करता है छिड़काव, हाँ हाँ, उसी प्रकार से बार्किंग डियर भी अपना टेरिटरी को वो मार्किंग करता है। अच्छा अच्छा, वो स्प्रे करता है अपने मूत्र से। ये लोगों का एक एरिया होता है टाइगरों का, वो डेली अपने जो टेरिटरी उसको वो मार्किंग करेगा। डेली डेली मतलब जितना बड़ा टेरिटरी हो पूरे टेरिटरी में घूमता, डेली डेली घूमेगा। शाम को लेट इवनिंग, शाम 4:30-5 बजे से जो चालू करेगा घूमना हाँ। तो रात भर जो चलेगा वो सिर्फ चलेगा, आराम नहीं करेगा। रात में वो हंटिंग भी करेगा, रात में उसका सब कुछ जो जो भी है सब नाइट में ही होगा। अच्छा, हंटिंग भी नाइट पे? नाइट में ही, दिन में वो सिर्फ आराम करेगा। अच्छा, दिन के समय पे जैसे कि मॉर्निंग सुबह 8:30-9 बजे तक का उसका रहेगा पूरा मूवमेंट। 9 बजे के बाद टाइगर अपने जहाँ भी उसको अच्छा लगेगा वो वहाँ पे घुस के आराम करेगा दिन भर। अच्छा, दिन भर सोए रहेगा क्योंकि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता धूप। अच्छा, जैसे रेतीली जगह हो ठंडक बनी रहती है वहाँ, पानी वाली जगह हो गई। टाइगर जो है वो है हॉट ब्लड एनिमल हाँ। वो भाग नहीं सकता, वो छुप के शिकार करेगा हाँ। अगर वो ज्यादा अगर वो भागेगा हाँ। जैसे लेपर्ड है, लायंस है हाँ। पैंथर है, ये लोग कोल्ड ब्लड एनिमल है, ये लोग दौड़ के शिकार करेंगे हाँ। लेकिन टाइगर जो है दौड़ के नहीं कर सकता, नहीं तो उसका बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा, वो हाँफना चालू करेगा बहुत तेजी से, इसलिए छुप छुप के जाएगा टाइगर जो अपने, और वो जिस चीज को उसको शिकार करना है हाँ। उस जानवर को वो झुंड से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेगा, वो निशाना बनाएगा, सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट करेगा हाँ। आफ्टर सिलेक्टिंग वो उसी को टारगेट बना के रखेगा। अच्छा, उसके अलावा किसी को नहीं पकड़ेगा? वो नहीं पकड़ेगा। अच्छा, उसी को टारगेट बना के चलेगा, और वो जो है अपने नाक के नोक से हवा की रुख को वो पहचानेगा, हवा किस दिशा में है। तो वो अपना अगर अगर हवा अगर उसी की तरफ से आ रहा है हाँ। तो वो अपनी दिशा को चेंज करेगा। अच्छा, तो चेंज करेगा क्योंकि उसकी गंध पहले पहुंच जाएंगी हाँ हाँ। तो वो अपने रुख को चेंज करता है, दिशा को वो टर्न करता है हाँ। टाइगर जितना नज़दीक जा सकता है हाँ। वो उतनी नज़दीक जाएगा, फिर उसके बाद फिर हमला करेगा वो 1 स्टेप या 2nd स्टेप में ही वो कैच करेगा। अच्छा, और टाइगर एक बार में सफल कभी नहीं होता है हाँ हाँ। वो कम से कम 4-6 बार वो प्रयास करेगा शिकार के लिए हाँ। तब कहीं जाकर के वो सफल हो पाता ठीक है बात। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो अगले जानवर को तो पता चल जाता है कि खतरा है हाँ। क्योंकि मंकीज भी कॉलिंग करते हैं, जब मंकी कॉलिंग करते हैं तो डियर्स लोग अलर्ट हो जाते हैं, फिर डियर्स भी कॉल करते हैं हाँ, तो बाकी जानवर और सब सब अलर्ट हो जाते हैं। वो सांबर 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 डियर और भी तो खाने होते हैं। आओ हाँ, सांबर है सर।
सांभर है वैसे इधर मुंडी किया हुआ था ना जी सांभर डियर ये सांभर है जो बारह सिंगा होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर में होता है गोल्डन ब्राउन और उसके जो सिंग है इस समय खूब सारा वो इतना चमक है उसमें शाइनिंग है और खास करके जब धूप का जब वो रेज उस पर पड़ता है तो वो और शाइन आ जाता है ये सांभर है ये है डार्क कलर में ये डार्क ब्राउन में ट्रेनर था अच्छा जिसने कान्हा को डिस्कवर किया था उसका नाम था कैप्टन जेम्स फॉरसिक जी हाँ उसने कान्हा को उसने डिस्कवर मतलब डिस्कवर किया था और 1930 को वो आया था सर सॉरी 1960 को इंडिया नो 1960 नहीं 1860 को आया था इंडिया अच्छा और वो टोपला में रुका था टोपला बोले तो गड़ी सुखा टोपला अच्छा यहाँ पे वो वहाँ पे रह करके वो इस जगह को वो पूरा ढूंढ ढूंढ के निकाला हमारा जो ये कान्हा नेशनल पार्क है एक्चुअली ये नेशनल पार्क भी नहीं था हाँ। उसने इसको डिस्कवर किया हाँ। और इसके ऊपर में बुक लिखा था और वो बुक के माध्यम से सर 1933 को हाँ। फिर इसके ऊपर फिर नज़र पड़ी सरकार की हाँ। फिर इसको बनाया गया सेंचुरी अच्छा सेंचुरी के बाद सर फिर इसका जो स्क्वायर किलोमीटर था वो कम होने के कारण फिर इसको दो साल के बाद फिर बढ़ाया गया थोड़ा थोड़ा करके हाँ। फिर 1955 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला अच्छा अभी ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में अभी सर ये अपना जो कान्हा है वो लगभग 2184 स्क्वायर किलोमीटर में है स्क्वायर किलोमीटर जी मैं पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग मतलब बहुत छोटे थे जी तब आया करते थे कान्हा तो 900 स्क्वायर किलोमीटर 900 स्क्वायर किलोमीटर पहले बताते थे नहीं सर वो आपका जो कोर एरिया है अच्छा पूरा जो आपका जो कान्हा जो है हाँ? बफर एंड कोर को अगर काउंट करते हैं हाँ? तो वो लगभग 2184 स्क्वायर किलोमीटर है ठीक कोर एरिया जो है वो है 927 स्क्वायर किलोमीटर पे हाँ उसी का बताते होंगे कोर एरिया 900 जी हाँ बाकी जो बचता है वो है आपका बफर एरिया इसमें भी सर आपका एक मिनी कोर है अच्छा और अंदर का कोर जो है वो फेन मतलब जो मोती नाला भाई बहन नाला के साइड से जाता है वो है मिनी फेन अच्छा और आपका जो बफर है वो तीन जोन में डिवाइड है एक है खापा जोन एक है सरही जोन और एक खटिया जोन अच्छा उसी प्रकार से सर जो कान्हा नेशनल पार्क है जो मेन कोर एरिया वो चार जोन में डिवाइड है ठीक बात सरही जोन हाँ। किसली जोन कान्हा जोन और मुक्की जोन और इसमें सर सिर्फ 20% पे ही आपको पार्क मतलब घूमने का मिलता है घूमने का है हाँ, बाकी 80% टूरिज्म एरिया जो है हाँ। वो सिर्फ 20% में है और 20% को भी बांट दिया गया 5% में अच्छा 5% के चार एरिया हो गए जी और 80% पूरा ब्लॉक है सर नॉन टूरिज्म एरिया है अच्छा जैसे कोई स्पेशल परमिशन लेके जाया जा सकता है क्या उस एरिया में नहीं सर उसमें सिर्फ फॉरेस्ट वाले ही लोग ही जा सकते हैं अच्छा अगर कोई सेलिब्रिटी भी आता है तो उसको भी उस जोन में नहीं ले जाया जाता है हाँ। क्योंकि क्या है सर कि जो टाइगर्स होते हैं हाँ। वो अपने कान्हा में दो मतलब दो जोन में है हाँ। एक है आपके टूरिज्म प्लेस में है एक नॉन टूरिज्म प्लेस में है तो जो टूरिज्म प्लेस में है वो दो प्रकार के टाइगर है और नॉन टूरिज्म में सिर्फ एक ही प्रकार के टाइगर है वो टाइगर जो नॉन टूरिज्म एरिया में है वो टूरिस्ट देखे नहीं है अच्छा वो जानते तो वो अग्रेसिव हो सकते हैं हाँ, ठीक या हो सकते हैं वो ग्रोल करे हाँ, शिकार करने की कोशिश कर जाए टूरिस्ट की और जो टूरिस्ट प्लेस में जो है वो दो प्रकार के टाइगर है एक है नॉन शाई और एक है शाई हाँ। नॉन शाई टाइगर जो है वो जब चलना चालू करते रोड पे हाँ। तो वो सिर्फ चलते ही जाएंगे आपको आपके सामने सामने चलेंगे हाँ। आप वीडियो बनाइए फोटो खींचिए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो शाही टाइगर्स है हाँ। वो अगर रोड पे अगर आते रहेंगे हाँ। आपको देख लेंगे तो दो कदम पीछे हो जाते हैं ठीक बात है खड़े रहेंगे वहीं पे जब आप निकल जाओगे आप क्रॉस नहीं कर जाओगे फिर आ जाएंगे फिर निकलेंगे अपना मतलब फिर वो क्रॉस करेंगे एक तरफ से क्रॉस करके दूसरी तरफ तुरंत चले जाएंगे वो रोड पे नहीं चलते नहीं चलते सर जो शाही है वो नहीं चलते जो नॉन शाही है वो एक बार रोड पे चलना चालू करते हैं तो कई किलोमीटर तक चलते वो हैबिट है उनकी हां वो लोग हैबिट देखने के वो लोग अपने अपने
जो एरिया पे लोग चल रहे हैं वो हर 10-12 कदम पे एक एक पेड़ पे वो थोड़ा सा स्प्रे करते हुए जाएंगे, अपना टेरिटरी बनाते हुए जाएंगे सर, थोड़ा सा देखेंगे पत्ती है। ताना तो बहुत फेमस है, वाकई फेमस है। अगर हम इंडिया के मानस अगर देखें तो पहले नंबर पे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सेकंड में कान्हा है, सेकंड में कान्हा, लेकिन जो लाइन ऑफ लेंथ में सबसे बड़ा, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन में देखते हैं पॉपुलर में टाइगर पॉपुलेशन पॉपुलर में पॉपुलर तो अपना कान्हा जो है वो फर्स्ट में है। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉपुलर है टूरिज्म के मामले में चिड़िया काम करता है। अच्छा, ये चिड़िया जी ये बाघ के जैसा कलर होता है और बाघ के जैसा मतलब बाघ ही का वाला काम कर लेती है, ये बाघ के मुंह से मांस निकाल खा लेती है दांत से। जी, बाघ जब शिकार करके जब खाता है तो उसके दांतों में जो मांस के टुकड़े फंस जाते हैं तो ये उसको निकालने का काम करती है। अच्छा, हेलो, नेचुरल टूथपिक तो बाघ बाघ नहीं करता होगा ना, बाघ का तो फायदा उसमें, और टाइगर भी उसको बहुत अच्छे से जानता है तो वो उसको वो करने देता है, करने देता कि हो गया तो हमारा काम कर रहा है, हमारे फायदे क्या तुम्हें। टाइगर सोए रहेगा मुंह खोल के और वो बकायदा वहाँ जाकर के उसको मांस तोड़ रहा है। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अब मज़ा आ गया। अब सर हमारा काम है। नहीं नहीं, बहुत नहीं, हर कोई नहीं देता ना भैया। ये वो है क्या तो कहते हैं, देखिए सर ये जो बिस्तर और मिट्टी जो दिख रहा है हाँ ये फिर से दीमक इसको बना रही है। अच्छा, ये जो टूट के जो गिर चुका है बरसात में बिठा जाता होगा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये हाँ। भालू ने इसको तोड़ दिया रहा होगा। अच्छा, भालू क्योंकि इसको खोद के इसको खाते दीमक को खा जाते हैं तो उसने तोड़ दिया था, अब वो दीमक फिर से अपना तैयार कर रही है। बहुत ऊंचे ऊंचे 6-6 फुट के हो जाते हैं ना, तो सर ये जितना ये ऊपर नीचे गहरा है। अच्छा, क्योंकि वहीं की मिट्टी तो निकाल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स ये टर्माइट है, क्योंकि ये जो माउंट जो बनाते हैं वो बारिश भी उसको नहीं गिरा पाता है। अच्छा, सिर्फ गीला होगा, गिरा नहीं पाए, ढहेगा नहीं। जी, ठीक बात है, जरूरत है। गर्मी जो रहती है गर्मी के समय में ठंडी का काम करता है, मतलब कि अंदर में टेम्परेचर जो है वो नेचुरली मेंटेन रहेगा। 26 डिग्री रहेगा ही रहेगा। अच्छा, 24 से 26 डिग्री अंदर पे रहेगा, ना ठंड ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो साल फॉरेस्ट है वो 24% है सर। साल फॉरेस्ट जी, हाँ तो साल तो भी पहचानते हैं हम लोग, लकड़ी वाले साल की लकड़ी पहचान लेते हैं। जो अदर्स है वो लगभग आपके 67% है अदर, और जो मैदान है वो लगभग 15% है, 15% पूरे कान्हा में फॉरेस्ट ज़्यादा है जी, और जो बुशेज है वो लगभग 1.5% है सर मात्र क्योंकि अपने कान्हा में सर ऐसा है कि लगभग 43 टाइप के मैमल्स है जानवर, 325 प्रकार के आपके पक्षी है बर्ड्स, और लगभग 23 टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स है, मतलब ये छिपकली टाइप के आइटम, छिपकली है, सांप है, बिच्छू है। सर देखिए सर ये टाइगर टेरिटरी मार्किंग है, कहाँ पे? ये देखिए पेड़ पे पंजे के निशान, हाँ ये ऊपर पेड़ पे, ये पुराना है। हाँ हाँ ये ओल्ड है सर, पिछले साल का है। इसके खासियत है सर, अब मैं बताऊँगा मार्किंग के बारे में। ये टेरिटरी मार्किंग ऐसा सर कि अगर कोई टाइगर इस एरिया में है मेल टाइगर तो वो आकर के यहाँ पे स्प्रे किया होगा और ऐसा स्क्रैच कर दिया एक लिमिटेड तक और वो चले गया। अगर इस एरिया में अगर दूसरा मेल टाइगर आता है तो उसके जो स्प्रे है उसको स्मेल करेगा और टेरिटरी को देखेगा, वो स्प्रे से पहचानेगा कि ये मेरे लाइक का है कि नहीं, मतलब लड़ेगा फिर उससे। अगर वो उसको लगता है कि नहीं ये कमजोर है तो वो उसके ऊपर अपना टेरिटरी मार्क करेगा, उसके ऊपर करेगा तो इससे लड़ेगा नहीं तो वापस हो जाएगा। और जब उसके ऊपर जब मार्किंग करेगा तो जो पहला टाइगर जब घूम के आता है जब देखता है और उसके जो स्प्रे को सूंघ के देखेगा और फिर उसको कुछ को लगे कि नहीं यार मैं इससे कमजोर हूँ तो वो चले जाएगा, और लगे नहीं हम बरोबर के हैं या मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ तो फिर उसको ललकारेगा। फिर वो मिलते कैसे होंगे, मतलब आपस में मीटिंग आवाज करेंगे ना, आवाज करके। अब जो टाइगर जो उससे ऊपर जो मार्किंग करके गया होगा वो दूसरे दूसरे पैरों पे भी उसने स्प्रे किया होगा तो वो उसके गंध को लेते हुए हो जाएगा, पकड़ ले आपस में मिलके फिर
आपस में लड़ाई होगी, दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दूसरे को लोग बुलाएंगे, रो करेगा, ग्रोल करेंगे, एक इधर एक वहाँ, ये लोग आसपास में जब होते फिर इनकी फाइट होती है, फाइट इतनी खतरनाक होती है कि दोनों में से या तो एक बचेंगे या दोनों मरेंगे, दोनों ही मर जाते हैं, फिर तो ऐसे में कम हो जाते हैं जबरदस्त, तो इसीलिए तो टाइगर्स बढ़ नहीं पा रहे मैम। पिछले 5-6 साल से जो काउंटिंग है वो 108 110 112 ऐसा स्लो, जबकि टाइगर्स जो है वो हर बार वो लोग बच्चा दे रहे हैं। जो फीमेल है वो एक बार मीटिंग करती है, मेट करने के बाद उसको तीन साल के बाद फिर मीटिंग करती तीन है साल कम से कम बच्चा, लेकिन बीच में क्या होता है कि एक मेल टाइगर उस एरिया में आता है तो वो क्या करता है, फीमेल को वो मीटिंग के लिए वो उसको एक करता है, मतलब उसको जबरदस्ती, तो मीटिंग तो करेंगी लेकिन वो फॉल्स मीटिंग होता है क्योंकि उसको अपने बच्चे बचाना है उससे, इसलिए वो मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग कर लेती दूसरे टाइगर से, लेकिन अगर वो मीटिंग ना करे तो हो सकता है वो उसको मार दे, फीमेल को, बच्चों को तो मारेंगे ही मारेगा, फीमेल को मार सकता है, फीमेल को। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मीटिंग करेंगी, मीटिंग लेकिन वो फॉल्स रहेगा, ठीक बात। और जो जो ओरिजिनल टाइगर है, जो बच्चे का बाप है, अगर वो आसपास में तो मीटिंग होने नहीं देगा, वो लड़ाई करेगा, वो लड़ाई करेगा, अगर वो हार जाता है तो फिर वो, फिर जो माँ है वो मजबूर है फिर उससे मीटिंग करने के लिए, नहीं तो फिर वो लोग का तो वो चलते रहेगा। और जब ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 2.5-3 साल के हो जाते हैं, 2.5 साल के अंतराल में, 2.5-3 साल के अंतराल में माँ बच्चों को अलग कर देती है, अब अपने खाओ पियो, अपना बढ़िया, अपना शिकार करो, तो फिर वो फिर दोबारा मीटिंग करती, तो हर बार वो जो फीमेल है वो 3-4 बच्चे दे रही है, तो सोचिए कि कितनी काउंटिंग हो रही है, अगर एक जोन में अगर 10 फीमेल है, ठीक बात, 10-30 हो गए, अगर 3-3 बच्चे भी दिए तो 30 तो ऐसे ही बढ़ गए, ठीक बात है, वो तो और बढ़ने चाहिए ना, लेकिन क्या होता है कि ये लड़ाइयाँ जो होती है इसमें बच्चे मारे जाते हैं, ये लड़ाइयाँ देखने को मिली है कि किसी को, मतलब जी हाँ मिली है, जनवरी में हुआ था सर, इतना घमासान हुआ था, एक जो डोमिनिक मेल है अपने मुक्की का, उमर पानी और एक किसली से आया था एक टाइगर, मेल टाइगर जामुन टोला, दोनों की लड़ाई हुई थी फीमेल के लिए, उस दिन मेरे साथ में नागपुर के कलेक्टर थे, स्पेशल गेस्ट की फैमिली, अब बिल्कुल ये वो जो ढलान है, नाला है, लगभग उतने दूर में फाइट हो रही है, अच्छा, कम से कम 30 गाड़ी रही होगी देखने के लिए और फाइट चल रहा है, फीमेल बीच में बैठी हुई है, उमर पानी उसे गोल गोल घूमता था, राउंड राउंड, जामुन टोला को रोकता था उसके पास आने के लिए, क्योंकि जामुन, क्योंकि उमर पानी और जो फीमेल है धवा झंडी, उन दोनों के 3 कप्स थे, अच्छा 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तो वो मीटिंग होने नहीं दे रहा था, ठीक बात, तो वो दूसरे मेल के साथ में उनकी फाइट चल रही थी, और फाइट इतनी घमासान चल रही थी कि लहू लुहान हो गए थे दोनों टाइगर्स, फिर शाम जब होने लगी फिर एलिफेंट्स को बुलाया गया, लड़ाई खत्म करने वाले, फिर उन लोग ने फिर उनको अलग किए, फिर तब के जाके दोनों बचे, 15 दिन तक तो दोनों टाइगर नहीं दिखे, हम तो सोचे कि दोनों टाइगर निकल लिए, फिर जामुन टोला दिखा पहले, फिर उसके 4-6 दिन के बाद फिर उमर पानी दिखा, उमर पानी मेन टाइगर है, शान है, पहले छोटा मुन्ना था, मुन्ना से पहले मुन्ना था, कैट लिखा था मुन्ना पे जी, वो तो वहाँ वन विहार में है, छोटा मुन्ना जो है वो अपना ये जो कान्हा है, पेच और बांधवगढ़ ये पूरे लगा हुआ है, तो जो ये कॉरिडोर जुड़ा होने के कारण छोटा मुन्ना किधर गया ये पता नहीं है, अभी ट्रैक नहीं कर पाए, निकल गया है कि ट्रैक नहीं कर पा रहे उसको, अच्छा, तो बचा उमर पानी, उमर पानी को लोग देखने आते हैं, अच्छा, वो शान टाइगर है, वो सबसे बड़ा सबसे बोल्ड टाइगर, अभी बहुत घूमा उमर पानी मेल, इसीलिए यहाँ तक आता है वो, कहाँ मुक्की, कहाँ ये एरिया, पूरे एरिया को वो कवर करता है, काफी ट्रैवल करते हैं, धवा झंडी के जो अभी जो 3 कप से उमर पानी की तरफ से, वो तो बिल्कुल फीमेल के साइज के हो गए हैं, अच्छा फुल साइज के टाइगर है, अच्छा तीनों मेल जी, अभी लास्ट वीक दिखे थे सर फीमेल और तीनों बच्चे, कौन से एरिया में, वो दिखे थे मालखेड़ी एरिया सर, मालखेड़ी बाबा ठेंगा जो बोलते हैं मुक्की एरिया में, वहाँ पर बहुत जबरदस्त साइटिंग था सर, वो रहा होगा, मेरी गाड़ी ये चल रही है हाथी वाला किनारे पे चल रहा है और सामने चारों टाइगर चल रहे हैं फीमेल और चारों कब्स, अच्छा बहुत मजा आ गया होगा, बहुत मजा आया सर, लेकिन डर भी लगता होगा, अरे डर क्या, डर नहीं लगता, रोमांच लगता है, रोमांच आदि हो गया, आदि हो गया, गर्मियों के समय में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं, एक बात 10 रुपए
तुरतुरे क्या 10 रुपए ते तुरतुरे चलो यार यार वो नहीं कुरकुरे मेरे को बिल्कुल अच्छे ही लगते मेरे को कुरकुरे बिल्कुल अच्छे ही लगते कैसा लगा आप लोगों को सफारी का वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइएगा तो अब वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ बाय बाय